ಸಾಮಾಜಿಕ ಹೋರಾಟಗಾರ ಅಣ್ಣಾ ಹಜಾರೆ ಧಾರವಾಡದ ಡಿಸಿ ಕಚೇರಿ ಆವರಣದಲ್ಲಿನ ಕಾರ್ಗಿಲ್ ಸ್ತೂಪಕ್ಕೆ ಗೌರವ ನಮನ ಸಲ್ಲಿಸಿದ ಬಳಿಕ ಜನರನ್ನು ಉದ್ದೇಶಿಸಿ ಮಾತನಾಡಿದರು. ದೇಶದ ಗಡಿಯಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಕಷ್ಟ ಇದೆ ಅಂತ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ. ನಾನು 15 ವರ್ಷ ಸೇನೆಯಲ್ಲಿದ್ದೆ. ಭಾರತ ಪಾಕ್ ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿಯೂ ಭಾಗಿಯಾಗಿದ್ದೆ. ನನ್ನ ಜೊತೆ ಇದ್ದವರು ಕೆಲ ಜನ ಹುತಾತ್ಮರಾದರು. ಆಗ ನಾನು ಉಳಿದು ಬಂದಾಗ ಪುನರ್ಜನ್ಮ ಅಂದುಕೊಂಡೆ. ಅವತ್ತೇ ನಾನು ನನ್ನ ಜನ್ಮವನ್ನು ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಅರ್ಪಣೆ ಮಾಡುವ ಸಂಕಲ್ಪ ಮಾಡಿದೆ ಎಂದರು. ಕಿಶನ್ ಬಾಬುರಾವ್ हमारे ऊपर दुश्मन का हवाई हमले हो गए, मेरे साथ साथी शहीद हो गए, मैं बच गया. ये पुनर्जन्म समाज और देश की सेवा में अर्पण खेम करेंगे सीमा को. इसलिए मैंने तय किया कि शादी नहीं करना, मैं करना शादी देश के लिए, समाज के लिए शादी नहीं करना. और आज मेरी उम्र हो गई 80 साल. 35 साल से 45 साल से घर में नहीं, मेरे भाई का बच्चों का नाम क्या है पता नहीं, करोड़ रुपए की योजना अपना है, बैंक बैलेंस नहीं. मेरे लाइफ में मेरा बैंक अकाउंट का किताब कहाँ रहता है पता नहीं. और जिस दिन मैं मरूंगा, समाज और देश की सेवा करते करते मरूंगा, व्रत लिया मैंने, ये व्रत लिया. मेरा कहने का मतलब इतना है, जिन्होंने हमारे लिए कुर्बानी दी उनको कभी भूलना नहीं. मैं मेरे हृदय के साथ जोड़ा है, उनकी कुर्बानी मेरे हृदय के साथ जोड़ा है. पाकिस्तान के दुश्मन से एक लड़ाई लड़ी, अभी हमारे घर में छुपे हुए दुश्मन है उनके साथ मेरी लड़ाई जारी है. लड़ रहा हूँ. जेल में जाना अलंकार है, जेल में जाना ये हमारा अलंकार है. ये सोना चांदी अलंकार नहीं, समाज और देश के भलाई के लिए जेल में जाना ये हमारा अलंकार है. ये मेरे वतन के लोगों, जरा आँख में भर लो पानी, जो शहीद हुए उनकी जरा याद करो कुर्बानी. वो कुर्बानी की याद हमारे हृदय के साथ जोड़ना है. Bye!